सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो आने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, और ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक जो होगा स्टार्ट होने वाला है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा, और ये क्लास 12 के ITS है, ये चैप्टर नंबर 3 है। इन्हीं के बारे में चलिए हम जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है यूनिट 3 है, और आपका चैप्टर का नाम है नेटवर्क। कौन सा है? नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क तो क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क? सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेंगे या फिर इंटरकनेक्टेड करके कोई डेटा को आदान प्रदान करेंगे, डेटा को हम शेयर करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कम से कम दो कंप्यूटर उसमें चाहिए। दो कंप्यूटर को मिलाने के बाद उसके बाद जो डेटा का जो आदान प्रदान होता है, जो डेटा को हम लोग शेयर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट या इंटरकनेक्टेड करके डेटा को शेयर करते हैं, उसे ही नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट या इंटरकनेक्टेड, मतलब कनेक्ट का मतलब दो कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट या फिर इंटरकनेक्टेड करके जो डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और एक बात, कंप्यूटर नेटवर्क जो होती है दो तरह का होता है। एक तो आपका वायर वाला होगा, वायर के साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा आपको वायरलेस के थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। वायर के थ्रू जैसे कि मान लिया जाए अपने मोबाइल को अपने पीसी से सीपीयू से जोड़ते हैं, डेटा का जो आदान प्रदान करते हैं, वो भी एक तरह का नेटवर्क है। और दूसरी चीज जो वायरलेस होती है, जो कि मान लिया जाए कि अपना मोबाइल है, व्हाट्सएप खोले, एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में डेटा को आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं बिना तार के द्वारा, वो होता है आपका वायरलेस। ठीक है, तो अब जानते हैं कि नेटवर्क का विकास कैसे हुआ, मतलब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यानी इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का विकास कैसे कैसे हुआ। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो था एक अर्पानेट थी। अर्पानेट सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था आपका? अर्पानेट थी। अर्पानेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये जो थी, ये अर्पानेट, ये यूएसए के था। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो बोलते हैं, यूएसए का था। और इसका जो डेवलप हुआ था वो हुआ था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था डेवलप इसका? 1969 में। आप इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि अर्पानेट का पूरा नाम क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और दूसरा जो होती है उसके बाद इसका जो डेवलप हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। उसके बाद फिर सेकेंड नेटवर्क आता है आपका, वो नेटवर्क आता है एनएसएफ नेट। का नेट का पूरा नाम होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये नेटवर्क जो था, ये नेटवर्क का डेवलप जो हुआ था वो हुआ था
1980 ईस्वी में इसका डेवलप हुआ था। कौन सा नेटवर्क का? एनएसएफ नेट का, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद तीसरा नेटवर्क जो आता है वो आता है इंटरनेट। कौन सा होता है? इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ये जो नेटवर्क था, ये नेटवर्क को बनाने के लिए मेरा अर्पानेट और एनएसएफ नेट दोनों को क्या करता है, मिला करके कौन सा नेटवर्क बनाया है? इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। और इसका जो डेवलप हुआ था, इसका डेवलप हुआ था 1990 ईस्वी में, या फिर किसी किताब में 1995 लिखा हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि 1990 ईस्वी में डेवलप हुआ था, या फिर कहीं के बिहार सब में जो एसएससी सब का जो एग्जाम होती है उसमें जो क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट का डेवलप का हुआ, तो वहां क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 1995 दिया रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कैसा आपका क्वेश्चन में पूछा गया। 1990 रहेगा तो मान लीजिएगा, 1995 रहेगा तो वो भी मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसी को, ये आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क था कि नेटवर्क का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले एक बार फिर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो नेटवर्क आया था वो अर्पानेट आया था। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, तो विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट था। अब अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा बेझिझक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पूछेगा कि अगर इसका डेवलप कब हुआ, तो आप जवाब दीजिएगा 1969 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एनएसएफ नेट, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसका डेवलप कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। अगर आपसे और पूछेगा कि इंटरनेट जो हम लोग बक रहे हैं, जान रहे हैं, बिना इंटरनेट से कुछ होता ही नहीं, और इंटरनेट जो बना है आपका नेटवर्क से बना है, क्योंकि आप देख ही लिए पहले अर्पानेट आया, ये नेटवर्क है, एनएसएफ नेट आया, ये भी नेटवर्क है, इंटरनेट ये भी नेटवर्क है, ये इसका इवोल्यूशन है कैसे कैसे आया। और इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, याद रखिएगा INTER इंटरनेशनल, NET से नेटवर्क। तो इसका डेवलप कब हुआ था? 1990 ईस्वी में या फिर 1995 में। ठीक है, तो चलिए हम आगे करके देखते हैं। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, नेटवर्क कितने कैटेगरी में बटा गया है। तो सबसे पहला देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक बात और हम बता दें, ये जो है ये क्लास 12 के लिए है, जिसका ITES है, क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, जिसका है उन्हीं के लिए है, ये क्लास 12 के लिए है, यूनिट 3। वैसे अगर देखना चाहता है क्लास 9 वाला भी इसको देख सकता है, क्लास 10 वाला देख सकता है, क्लास 11 वाला भी देख सकता है, चाहे आपका क्लास 11 में कंप्यूटर साइंस हो या फिर ITES हो, क्लास 12 वाला भी इसको देख सकता है, चाहे आपका ITES हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, किसी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई देख सकता है, या कोई ADCA DCA कोर्स करता है उनके लिए भी ये है। तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन सा होता है? पहला होता है लैन, जिसका पूरा नाम क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है आपका मैन, कौन सा होता है? मैन, जिसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीसरा आपका होता है वैन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद लास्ट है चौथा पैन, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए करके हम डिस्कस करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होती है। पहली बात तो आप इसका पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि आपको 30 नंबर में ही सब कुछ जवाब देना है, 70 तो आपका प्रैक्टिकल है, तो 30 नंबर में ही आपका पाइथन से क्वेश्चन आएगा, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, आपका वेब एप्लीकेशन से आएगा, आपका एंड्रॉइड से आएगा। तो कहां कहां से दीजिएगा? कुछ क्वेश्चन डेटा बेस से देगा, कुछ क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देगा। तो हम जो जो मैन होगी, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएगा, उस टाइप से ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो
तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला था LAN, LAN जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होती है, सीधी सी बात है लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होती है जो एक कैंपस तक सीमित रहता है, कैंपस में सीमित रहता है, एक बिल्डिंग में सीमित रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं LAN नेटवर्क। जैसे कि ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं, ऑफिस में लगा दिए, स्कूल में लगा दिए, कोई ब्लॉक वगैरह सब में लगा दिए, पुलिस स्टेशन में लगा दिए, ये जो नेटवर्क होती है कौन सा नेटवर्क होती है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेटवर्क होती है वो मेन होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये वो नेटवर्क होती है जो कि एक सिटी से दूसरी सिटी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। और मेन नेटवर्क जो बनता है एक सिटी में बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके और दूसरे सिटी में बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, मेन बनाते हैं। तो याद रखिएगा मेन नेटवर्क जो होती है वो एक सिटी से दूसरे सिटी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग मेन बोलते हैं। तीसरा होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब ही होता है फैला हुआ, क्या होता है, फैला हुआ। तो जाहिर सी बात है वाइड का मतलब फैला हुआ हुआ, इसका मतलब अगर ये क्या करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को क्या करता है, जोड़ करके रखता है, ये कौन सा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर हम बात करेंगे अदर कंट्री, मान लो कुवैत वगैरह सब बात करेंगे, तो वहां अगर बात करेंगे हम लोग ईमो से बात करना होता है, किससे होता है, ईमो से बात करना होता है, यहाँ तो आपका काम करता नहीं है, या फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वहाँ कौन सा नेटवर्क यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तब ना सोशल मीडिया में अदर कंट्री का भी अपने में अकाउंट में कुछ छोड़ता है, हम लोग देख पाते हैं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो नेटवर्क कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तीसरा आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वो नेटवर्क होता है जो हम लोग खुद से ही करते हैं, जैसे कि मान लो प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं, कोई कंप्यूटर से कोई प्रिंट मारना होता है प्रिंट करते हैं, ब्लूटूथ अपना ओपन कर दिए, शेयर भी अपना ओपन कर दिए, ये सब कौन सा नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ये सब आता है। मैं एक बार फिर बता दूं कि लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होती है जो एक ऑफिस तक सीमित रहता है, उसी को हम लोग लैन कंट्रीब्यूट करते हैं। आप रेलवे स्टेशन में लगी होती है, अपने स्कूल में लगी होती है, कैंपस में लगी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैन बोलते हैं। मेन होती है एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट करता है, और वैन होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री करता है, और पैन तो अपना खुद का होता है, पर्सनल होता है, हम लोग खुद से जनरेट कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है। तो ये थी आपकी नेटवर्क की बात। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, टोपोलॉजी होता क्या है इसको भी हम चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो चलिए हम बात करते हैं टोपोलॉजी के बारे में, इसके बारे में टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी क्या होती है। सीधी सी बात है टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, अ डिजाइन ऑफ अ नेटवर्क, अ डिजाइन ऑफ अ नेटवर्क, कि एक नेटवर्क का डिजाइन कैसा है, या हिंदी में बोलिएगा तो लिख सकते हैं कि नेटवर्क के लेआउट, लेआउट का मतलब हिंदी होता है आकृति, आकृति को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। अभी आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आया होगा, ठीक है, अब हम समझाते हैं क्या होती है टोपोलॉजी। मान लिया जाए एक हम इस तरह से खींच दिए, इधर से एक नेटवर्क हम कंप्यूटर जोड़ दिए, इधर भी एक कंप्यूटर हम जोड़ दिए, इधर भी एक कंप्यूटर जोड़ दिए, इधर भी एक कंप्यूटर जोड़ दिए, तो ये आपको देखने में लग रहा है बस के तरह का, तो ये बस के तरह का देखने में लग रहा है, इसका नाम क्या रख दिया गया, बस टोपोलॉजी, क्या रख दिया गया, बस टोपोलॉजी। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, कुछ इस टाइप से हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर लगा दिए, यहाँ पे कंप्यूटर लगा दिए, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, और यहाँ और यहाँ पे भी कंप्यूटर, इसको कुछ थोड़ा सा हम डिजाइन कर देते हैं तो आपको कुछ अलग सा देखने में लग रहा है। देखिए ये आपको लग रहा है ना कि ये बिल्कुल स्टार की तरह लग रहा है आपको नेटवर्क, तो ये नेटवर्क आपका कौन टोपोलॉजी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक नेटवर्क और हम बनाते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ कंप्यूटर लगा दिए, बहुत सारा नेटवर्क लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए नेटवर्क, यहाँ पे भी हम नेटवर्क लगा दिए कुछ इस टाइप से, यहाँ पे भी नेटवर्क लगा दिए कुछ इस टाइप से। अब ये देखने में लग रहा है आपको ट्री के तरह, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ट्री टोपोलॉजी, क्या पड़ गया, ट्री टोपोलॉजी। इसी तरह एक और बनाते हैं कुछ इस तरह से, गोल ले लिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे हम कंप्यूटर लगा दिए, यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर और यहाँ कंप्यूटर। अब ये एक रिंग की तरह लग रहा है, तो इसका नाम रख दिया गया रिंग टोपोलॉजी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, नेटवर्क का आकृति कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये ट्री के तरह है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क, तरह तरह का है, मतलब ये देखिए टोपोलॉजी जो होती है वो दो टाइप का होता है, एक होती है फिजिकल,
एक होती है फिजिकल, दूसरा होती है लॉजिकल। तो हम जब भी बात करेंगे वो करेंगे फिजिकल की बात, लॉजिकल की हम बात नहीं कर सकते। तो फिजिकल का स्ट्रक्चर आपको कैसा कैसा नजर आ रहा है, कुछ स्टार टाइप का देखने में लग रहा है, ये आपका बस की तरह लगता है, इसका नाम बस टोपोलॉजी रख दिया, इतना स्ट्रक्चर लिया है, सब में डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये थी टोपोलॉजी। अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी छह प्रकार का होता है। पहला होता है आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा होता है आपका स्टार टोपोलॉजी, तीसरा होता है आपका रिंग टोपोलॉजी, चौथा होता है आपका मेश टोपोलॉजी, पांचवा होता है आपका ट्री टोपोलॉजी, और लास्ट छठा होता है ग्राफ टोपोलॉजी। कौन टोपोलॉजी? ग्राफ टोपोलॉजी या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो भी बोल सकते हैं। तो ये सब के बारे में हम कल जिक्र करेंगे कि बस टोपोलॉजी कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब के बारे में हम कल जिक्र करेंगे, कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। जय हिंद।